हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम जो उत्तर प्रदेश का बजट, तीसरा बजट अनाउंस्ड हुआ है 2019 और 20 के लिए, इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही क्विक रिविजन सेशन होगा ये, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हैंड रिटन है और टाइम की थोड़ा कमी थी इसलिए इसको PPT के फॉर्म में नहीं बना पाई मैं, और ये है हैंड रिटन। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इस बार का जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो पिछले साल के बजट से कितना परसेंट बड़ा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और ये बड़ा है आपका 12%। ठीक है, लगभग ये 11.98 है, तो बट इसको हम लोग अप्रॉक्स 12% मान सकते हैं। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो इस बार का ये बजट है, तीसरा बजट है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। अगला क्वेश्चन है, इस बजट में बिजली विभाग के लिए कितने परसेंट बजट बढ़ाया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है और इसका सही आंसर होगा 20.21। ऐसे आप लोग आ सकते हैं, 20 के बाद क्या आता है 21%, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, सेलेक्टेड 25 क्वेश्चन है इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, कानपुर, मेरठ, लखनऊ या सहारनपुर। तो ये की जाएगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे एयरपोर्ट के लिए ₹10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि जो ग्रेटर नोएडा में है, जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो इसके लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये किया गया है 800 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिन लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाएगा, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की जाएगी। चार ऑप्शन दिया आपके सामने, पहला है मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना या मुख्यमंत्री निरोग योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। पूछा जा सकता है कि इसमें कितने रुपये आवंटित किए गए हैं, तो इसमें किए गए हैं 1100 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, शहरों में कान्हा गौशाला के लिए कितने करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। ठीक है, शहरों में पूछा गया, तो याद रखिएगा, तो ये किया गया है 200 करोड़। ठीक है, शहरों कान्हा गौशाला 200 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये की जाएगी 7 शहरों में। याद रखिएगा आप लोग, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, 7 है। और अगर बात की जाए एरिया की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है पूरी दुनिया में, तो ये भी आता है 7वां। और पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत की रैंक है 2nd, 1st पर है चाइना। तो फिलहाल आपको 777 याद कर लेना है, एरिया के हिसाब से भारत की रैंक है 7, भारत में यूनियन टेरिटरी है 7, और कितने यूपी में कितने शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी ये भी है 7। देखिए, आपको याद करना है, आप लोग कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक नई डेयरी स्थापित करने के लिए 56 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो बात रही डेयरी स्थापित करने की, तो ये की जाएगी मथुरा में। ठीक है, देखिए वीडियो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और स्टडीज़ ग्रुप सर्कल में शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए 1200 करोड़ रुपए की एक नई योजना की घोषणा की है, उस योजना का आपको नाम बताना है। अब तक का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस योजना का नाम है कन्या सुमंगला योजना, वुमेन एजुकेशन और हेल्थ और पावर पर ये मेन फोकस्ड है। ठीक है, महिलाओं की पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए कन्या सुमंगला योजना। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भाजपा सरकार जो की है इस बार, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन
ग्रामीण वाले के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं 6,000 करोड़। देखिए स्वच्छ भारत मिशन हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा ये ग्रामीण वाले स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है, 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का यह तीसरा बजट था, ठीक है, जिसे वहाँ के वित्त मंत्री ने पेश किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो आपको उनका नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, ये हैं राजेश अग्रवाल, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य की ऋण ग्रस्तता यानी कि स्टेट डेब्ट लाइबिलिटी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट अनुमानित है? तो ये है 29.98%, दशमलव है बीच में, 29.98%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा अनुमानित है? देखिए ये भारत सरकार द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि जो भी स्टेट फिस्कल डेफिसिट या राज्य के राजकोषीय घाटा होगा ये 3% से कम होना चाहिए किसी भी राज्य के लिए। तो ये लक्ष्य तो पूरा कर लिया उत्तर प्रदेश ने, ये है 2.97%। अगर रुपए की बात की जाए तो यह 46,910 करोड़ रुपए। फिलहाल ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा 2.97%। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं 910 करोड़ रुपए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन है किस भाषा की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाठशालाओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए 242 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है? तो ये भाषा है ना ही हिंदी है ना ही उर्दू है, ये है संस्कृत, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में किस केंद्र की स्थापना के लिए 16 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो ये है वैदिक विज्ञान केंद्र, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कितने करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है? तो ये है 500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, मथुरा और किस शहर के मध्य में ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु 8,30,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है? तो ये है मथुरा और वृंदावन के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिएगा आप लोग, मथुरा और वृंदावन नाम आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न है, आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 1,50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो कितने करोड़ लगेंगे आयुष विश्वविद्यालय के लिए? ये है 10 करोड़ रुपए। किनके लिए टाइप ए टाइप बी बैरक निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो ये बैरक बनेगा पुलिस कर्मियों के लिए, ठीक है। प्रश्न है, किस कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो ये है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, आप लोग याद कर सकते हैं DGM, डी फॉर दिल्ली, जी फॉर गाजियाबाद, एम फॉर मेरठ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजकीय इंटर कॉलेज बालक तथा बालिका की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए की स्थापना व्यवस्था की गई है? तो ये है 10 करोड़। देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 करोड़ है राजकीय इंटर कॉलेज बालक और बालिकाओं के लिए, और 10 करोड़ है आपका आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कॉरिडोर नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य हेतु 350 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया? तो ये कौन सा बैंक इनकी सहायता करेगा? ये है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नई डेयरी की स्थापना की जाएगी? तो ये है आपका
मथुरा में। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।